नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कॉरल ड्रॉ के अंदर किस तरीके से इन पिक टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। पिक टूल के अंदर आप देखेंगे आपको तीन तरीके के टूल्स मिलेंगे। सबसे पहला टूल आपको दिखाई देगा पिक, और दूसरा है आपका फ्री हैंड पिक, और तीसरा है फ्री ट्रांसफॉर्म। तो हम आज इन तीनों टूल्स का यूज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक रेक्टेंगल को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद हम सबसे पहले यूज़ करते हैं पिक टूल का। पिक टूल को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे पिक टूल हमारा रिप्रेजेंट हो चुका है। और उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए पिक टूल का यूज़ करते हैं, या तो फिर आप इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए यानी कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल टूल है हमारा पिक टूल का। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने दूसरा टूल है हमारा फ्री हैंड पिक। फ्री हैंड पिक किस तरीके से यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं और इन ऑब्जेक्ट्स में से कोई पार्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्री हैंड पिक का। फ्री हैंड पिक पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जिस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर ड्रॉ करके यानी इस तरीके से ड्रॉ करके सिलेक्ट करेंगे, हमारा सिर्फ वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा एक और टूल हमारा, जो कि हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। तो फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन के लिए पहले हम सभी इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लेते हैं और एक सिंपली रेक्टेंगल को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। इस रेक्टेंगल को अगर मुझे बड़ा करना है या छोटा करना है, तो हालांकि हम पिक टूल की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे हम कॉर्नर से पकड़ करके इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, या तो फिर राइट साइड से पकड़ करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं, और या तो फिर अप की तरफ से पकड़ करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बट इसमें हमें क्या हो रहा है कि हम हर एंगल को पकड़ करके हमें ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर जो तीसरा टूल हमें दिया गया है फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, इसको जैसे ही क्लिक करके हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, और जिस तरीके से भी हम अपने कर्सर को यानी माउस को मूव करेंगे, ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली उसी तरीके की शेप लेता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस वाले टूल का, यानी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का। तो दोस्तों, ये था हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन टूल्स। इसके अलावा मैं एक छोटी सी नॉलेज आपको और दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं, इन सभी रेक्टेंगल्स में हमारे पास बहुत सारे इलिप्स भी हैं। अब बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इलिप्स सेलेक्ट करना है, यानी आप चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी इलिप्स हैं सिर्फ इलिप्स सेलेक्ट हो जाए, और इलिप्स को आप यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। तो आपको सिंपली इलिप्स वाले टूल पर जाना है और डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप इस इलिप्स पर डबल क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपके रेक्टेंगल और इलिप्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो आपको इलिप्स दिखाई दे रहा है, वही टूल आपका, वही ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से अलग होगा। इसी तरीके से अगर आप जिस भी शेप पर डबल क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने रेक्टेंगल पर डबल क्लिक किया, तो हमारा रेक्टेंगल टूल भी यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, और उसको भी हम यहाँ से इजीली मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इन सभी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।